A Monday morning greeted me as usual. आजकल दिन की शुरुआत भी तेज धूप के साथ होती है। समर सीजन के लिए कुछ और दिन बाकी है, लेकिन मैं अभी से चिंतित हूँ। हर सीजन अपने फायदे और नुकसान लेकर आएगा। खैर, धूल से निपटना मेरे लिए एक बड़ी चुनौती होगी, मुझे पता है। हर मौसम की अपनी अनोखी खूबियां होती है। अच्छे और बुरे दोनों को अपनाकर हम बढ़ सकते हैं और अपने एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। परिवर्तन को स्वीकार करना और जीवन को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना भी इस लाइफ जर्नी के लिए हमारी प्रशंसा को बढ़ा सकता है। हालांकि मेकिंग अ प्लान एंड बीइंग प्रोएक्टिव आपको हर मौसम का अधिकतम लाभ उठाने और इसे एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस में बदलने में मदद कर सकता है। आज मैं उन क्लीनिंग टूल्स के बारे में बात करना चाहती हूँ जिनका उपयोग मैं अपने रेगुलर क्लीनिंग को कंफर्टेबल और हैसल फ्री बनाने में यूज करती हूँ। ये मेरे कैडी बॉक्स है और इसमें मेरे सभी डेली यूज किए गए क्लीनिंग टूल्स हैं। हैविंग द राइट टूल्स कैन मेक द टास्क मच इजियर एंड मोर एफिशिएंट। एक लेंट रोलर, दो प्री यूज पेंट ब्रश, एक छोटा और एक बड़ा स्पॉट जीरो ब्रश, कांच की सफाई के लिए एक माइक्रोफाइबर कपड़ा और सामान्य उपयोग के लिए बाकी। मेरे पास बहुत स्टॉक है। आइए देखते हैं ये मेरी डेली क्लीनिंग में कैसे मेरी मदद करते हैं। पहला, ये स्पॉट जीरो ब्रश उत्सुक है साउंड बॉक्स को अच्छी तरह से साफ करने के लिए। मानो ब्रश बॉक्स से बात कर रही हो। स्पेशल थिंग्स नीड स्पेशल अटेंशन। हर बार जब मैं इस सेल्फ को साफ और ऑर्गेनाइज करती हूँ, इट्स लाइक टेकिंग अ ट्रिप डाउन द मेमोरी लेन। हर एक पीस से स्पेशल मेमोरी और वो यूनिक स्टोरी सामने आ जाता है। जब सरफेस क्लीनिंग की बात आती है तो मैं हमेशा माइक्रोफाइबर कपड़ा पसंद करती हूँ। स्नैप क्लीन का ये माइक्रोफाइबर कपड़ा इस टास्क के लिए एकदम सही है। इट्स लार्ज इन साइज एंड एबिलिटी टू ट्रैप डस्ट विदाउट लेटिंग इट एस्केप इज ट्रूली रिमार्केबल। और ये छोटा पेंट ब्रश उन कठिन जगहों और जटिल डिजाइनों की सफाई के लिए एकदम सही टूल है। ये ब्रश और आइटम के बीच मानो एक डांस चल रही है, वर्किंग टुगेदर टू रिवील द ब्यूटी एंड डिटेल्स। आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरी पीस इन दिस सेल। ये मेरे जीवन में आनंद लाते हैं और मेरी यादों और कहानियों को जीवित रखने में मदद करते हैं। और प्रत्येक सफाई और ऑर्गेनाइजेशन के साथ वे मेरे लिए और भी कीमती हो जाते हैं। अगला, ये एक्सटेंडेड डस्टर। छत और दीवारों जैसे ऊंचे प्लेसेस की सफाई के लिए ये एक हेल्पफुल टूल है। और कुछ तेज स्वाइप के साथ ये खिड़कियां भी साफ कर सकता है। लुक एट इट गो। ये डस्टर ऐसी प्लेसेस की सफाई को आसान बना देता है। आई कैन रीच एवरी नोक एंड क्रैनी विथ ईज। और अब खिड़कियों के लिए बस कुछ तेज वाइप और वे चमकदार साफ हो जाएंगे। लेकिन लहजे में धागे फंस जाते हैं। दिस इज ऑलवेज द डाउन साइड ऑफ यूजिंग दिस डस्टर। इन नाजुक वस्तुओं के लिए ये बहुत कठिन हो जाता है। वेल, आई एम बैक टू द स्पॉट जीरो ब्रश फॉर दीज एक्सेंट्स। इसके सॉफ्ट लार्जर ब्रिसल्स लार्ज एरिया को क्विकली कवर कर सकते हैं, प्रिजर्विंग देयर ब्यूटी एंड डिटेल। दिस इज माय न्यू एडिशन। एक बच्चा जैसे अपने नए खिलौने को खोलने एक्सप्लोर करने की उत्सुकता रखता है,
आई फील द सेम व्हेन आई अनबॉक्स अ न्यू क्लीनिंग टूल। इसके सॉफ्ट ब्रिसल्स हर कॉर्नर और दरार को नाजुक ढंग से साफ करते हैं, जिससे मेरे सरफेसेस शाइनी और डस्ट फ्री हो जाती है। और डस्ट पैन आसानी से फर्श पर गंदगी किए बिना सारी गंदगी इकट्ठा कर लेता है। इन टूल्स का उपयोग करने से न केवल मुझे अपना प्लेस साफ रखने में मदद मिलती है, बट ऑल्सो इट गिव्स मी अ सेंस ऑफ प्राइड एंड अकॉम्प्लिशमेंट। इट्स अ स्मॉल जॉय दैट ब्रिंग्स अ स्पार्क ऑफ हैप्पीनेस टू माई डेज। फ्रेम पर इन बिजी डिजाइनों को साफ करना वॉज नॉट ईजी, लेकिन विद दिस टूल मेरा काम आसान हो गया। The lint roller is a savior for all those quick cleaning jobs. हर दिन वैक्यूम क्लीनर यूज करना फिजिबल नहीं हो पाता, उस टाइम पे ऐसे हैंडी टूल्स एक्ट एज अ सेवियर। विथ इट्स एफिशिएंट डिजाइन, ये सबसे छोटे बालों और धूल को भी इकट्ठा करता है जो मेरे कुशन या लिनन लाइट स्टैंड पर इकट्ठा हो जाते हैं। ये कॉमन प्रॉब्लम का एक सिंपल सोल्यूशन है, मेकिंग इट अ मस्ट हैव इन माई क्लीनिंग आर्सेनल। एक माँ के रूप में मेरी प्रायोरिटीज हमेशा मेरे परिवार के इर्द गिर्द केंद्रित रहता है। ब्रेकफास्ट का समय लगभग हो गया था, मुझे बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी क्लीनिंग टास्क को पॉज करना पड़ा। बचपन की यादें अक्सर वार्म्थ और सुकून से भरी होती है, और कई लोगों के लिए उन यादों में खाना एक बड़ी भूमिका निभाता है। एक डिश जो कई लोगों के दिलों में एक विशेष स्थान रखता है वो है गरम गरम पूरियां और आलू की सब्जी का क्लासिक कॉम्बिनेशन। मेरे घर पर ये पकवान उत्सव के अवसरों के दौरान अ मस्ट हैव डिश था, और मैं इसे विशेष रूप में बिना प्याज लहसुन के सात्विक वर्षन ही पसंद करती हूँ। द मियर थॉट ऑफ इट ब्रिंग्स बैक हैप्पी मेमोरीज ऑफ दिवाली सेलिब्रेशंस, इवोकिंग अ सेंस ऑफ नॉस्टैल्जिया। द सिंपल येट डिलीशियस डिश मेरे दिल में एक विशेष स्थान रखता है। मुझे घर, परिवार और बचपन की सभी खुशियों की याद दिला देता है। दिवाली के श्राद्ध की तैयारी से लेके पूजा खत्म होने तक, पटाखे फोड़ने से लेके गरम गरम फूले हुए पूरियों को फोड़ने तक फ्लैशबैक की तरह सामने आ जाता है। चलिए, मेन काम फिनिश हो गया, अब जब सब टेबल पे आ जाएंगे आई मेक गरम गरम पूरी, पर उससे पहले अधूरा काम को निपटा लेते हैं। ये फ्लैट बिग ब्रश, इट्स बेटर टू कीप सम यूज थिंग्स एज बैकअप, यू नेवर नो कब कहाँ कैसे काम आ जाए। राफ्टर्स या ऐसे कोने वाले एरियाज में इसको यूज करके आई गेट रिड ऑफ मेनी डस्ट। सच बोलू, आई एम इन लव विद दिस डस्ट पैन एंड ब्रश। ये बेडसाइड लैम्प जो बैम्बू से बना हुआ है, हैज स्मॉल होल टाइप डिजाइंस। अगर ध्यान नहीं दिया तो इट अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ डस्ट। आई यूज दिस ब्रश एंड सी इफ इट हेल्प्स मी आउट। सच कहूँ तो मैं स्नैप क्लीन माइक्रोफाइबर क्लॉथ की क्लीनिंग परफॉर्मेंस से बेहद संतुष्ट हूँ। कपड़े ने लैम्प बेस पर जमे हुए धूल को प्रभावी ढंग से कलेक्ट कर लिया, जिससे वो बेदाग और नया लगने लगा। मैं यहाँ यूज किए गए सारे टूल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आप इनमें से किसी को भी ट्राई करना चाहें तो नीचे दिए गए लिंक से परचेज कर सकते हैं।
अब ये हैंडी वाला डस्टर जो मैंने मूजी स्टोर से परचेज किया था, इट इज ऑल्सो क्वाइट इफेक्टिव एंड अ हेल्पफुल टूल। स्पॉट क्लीनिंग करनी हो या फोन और ब्लैक सर्फेसेस में जो डस्ट को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं वहां से धूल तुरंत हटाने हो, देन दिस टूल इज अ सेवियर। एक गृहिणी के रूप में आई ऑफन रिफ्लेक्ट ऑन द आइडिया कि एक जीवन बाहर से परिपूर्ण दिखाई दे सकता है, येट इट इज द मोमेंट्स एंड पीपल वी फिल इट विद दैट ट्रूली मेक इट सो। भले ही मैंने इस आदर्श को 100% हासिल ना किया हो, लेकिन मैं अपनी कहानी में अपनी भूमिका को मेन कैरेक्टर के रूप में स्वीकार करती हूँ और अपनी शर्तों पर जीवन बनाने की कोशिश करती हूँ। अपने सबसे करीबी लोगों को संजोकर और अपने दिनों को मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस से भरकर मैं अपने घर को खुशियों और प्यार से भरा एक स्थान बनाने की कोशिश जारी रखती हूँ। और आप सबको भी इस परिवार का हिस्सा बना पाऊँ, मेरी यही आशा है। अगर आपको मेरे कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब करके इस चैनल का हिस्सा बनिए और मेरे साथ साथ आप अपनी कहानियाँ भी मुझे सुनाइए। चलिए आज के लिए विदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे जल्दी। टेक केयर, बाय बाय।